हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा। तो फ्रेंड, हम आज है ना फेशियल करेंगे। तो मैंने ऐप गुडनेस का ड्रैगन फ्रूट ब्राइटनिंग फेशियल किट परचेस की थी पर्पल से। ये देखिए, इसके पीछे के पैक पर इसको ना कैसे यूज़ करना है ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर 5 स्टेप दिए गए हैं हमें, तो इसको हमें बारी बारी से अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये देखिए, रात का 1:30 बज चुका था, 1:30 बजे मैं ये फेशियल कर रही थी। मेरी आंखों में नींद आप देख सकते हैं। और यार, दिन में टाइम नहीं मिलता काम से। देखिए, पहले ना यूज़ कर लिया था मैंने एक बारी, उसके बाद ही सेकंड बारी में आपको इसका रिजल्ट शो करूँगी। तो पहला है क्लिनज़र। आपको अपने डैम फेस पर जेंटली मसाज के तौर पर ना 3 से 5 मिनट के लिए आपको मसाज करनी है। फिर इसको कॉटन की हेल्प से, गीले कॉटन से या फिर पानी की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको 3 से 4 मिनट के लिए ना मसाज करनी है। जो क्लिनज़र था ना, तो थोड़ा सा ना जैसे जेल फॉर्म में था, और ना उसको आप ऐसे मसाज करते रहेंगे ना तो वाइट वाइट सा ये हट भी रहा था। मतलब कि बहुत ही जेंटल था आपके फेस पर, कोई हार्म नहीं है इस फेशियल का। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना इसका, ये ड्रैगन फ्रूट हैगा। ये ड्रैगन फ्रूट में ना फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे कि ना स्किन को क्लियर करता है, एक्ने वगैरह से भी हमारी स्किन को निजात दिलाता है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब अब इसको फ्रूट को ना खाने में भी अच्छा लगता है, तो स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर ना, पता है, मैं आपको शो कर देती हूँ, मतलब कि दिखा बता देती हूँ इस फेशियल की। ड्रैगन फ्रूट जो कंटेंट्स है विटामिन सी विच एसिड इन स्किन ब्राइटनिंग, यानी कि ब्राइटनिंग में काम आता है। और जो इसके अंदर कैरेट ऑयल बैलेंस द मॉइस्चराइज लेवल इन स्किन, जो कैरेट ऑयल है ना, गाजर का ऑयल, वो आपके स्किन को ना बैलेंस करता है, आपके स्किन के मॉइस्चराइजर को बैलेंस करता है। सिया बटर काम करता है स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाने में, सूटेबल फॉर ऑल टाइप का है। ये मैंने ना पर्पल से परचेज करा था। उसके बाद में इसकी नेट क्वान्टिटी की बात की जाए तो 30-40 ग्राम है ये। और इसकी लाइफ की बात की जाए तो ये है 2021 में बनाया, 2024 में ये ख़त्म होगा, यानी कि अच्छी खासी लाइफ है इसकी। तो आप देख सकते हैं, अब इसको अच्छे से हम आँखों के आसपास सारी जगह काफ़ी अच्छे से मसाज देंगे अपनी स्किन को। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ना मेरी स्किन में ना ग्लो आता जाएगा। आप देखिएगा, आपको ना खुद से फ़र्क दिख जाएगा। ये देखिए ना, ये जो वाइट वाइट सा हट रहा था ना, इस पे से ये सारा क्लींजिंग मिल, मतलब क्लींजिंग था। अब इसको कॉटन की हेल्प से हम साफ कर लेंगे। आपको ना आगे जाके थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी लो दिखेगी, बिकॉज मैं इसको ना डबल स्पीड में चलाने वाली हूँ, क्योंकि यार बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती, आप लोग भी पक जाते हैं, इसलिए ना फिर ना डबल की स्पीड पे हमें चलानी ही पड़ती है। अब इसके बाद में शुरू करेंगे अपना सेकेंड स्टेप। तो फ्रेंड, ये है स्क्रब। इसका सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड स्टेप है जो, वो है एक स्क्रब। स्क्रब को भी ना अपने गीले फेस पर, आप सबको पता है कि स्क्रब को हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा तेज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अपने फेस पे। ये देखिए, मैं पूरे फेस पर ना एक फेस पैक की तरह इसको अप्लाई कर लूँगी पहले, और फिर ना जेंटली हाथों से अपने फेस को मसाज दूँगी। आपको लगेगा वीडियो में कि बहुत तेज मसाज कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने बिल्कुल आराम से मसाज की थी, क्योंकि स्क्रब हमेशा धीरे धीरे हाथों से करना चाहिए। देखिए, स्पीड पे चल रही है ना वीडियो, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत तेज तेज मैं स्टेप कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जेंटली मसाज कर रही थी अपने फेस को, अपनी नेक पे, अपने ईयर्स पे। अच्छे से आपको ना स्क्रब कर लेना सारी जगह, मतलब मैं तो ना अपने लिप्स पे भी कर लेती हूँ करती करती। अरे चल रहा बैक साइड, मेरा हस्बैंड लेट है,
बोल रहे थे तू इतनी रात को क्या कर रही है, उनसे बात कर रही थी फिर। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना, और ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना, जिससे कि ना इससे भी लाइक करने से फ्रेंड होता कुछ नहीं है, जस्ट ना होता है कि हमें एक हिम्मत मिलती है कि हाँ आप लोग हमको लाइक कर रहे हैं। बस ये देखिए अच्छे से मसाज देंगे अपने फेस को, और फिर एक इसको भी ना मैं टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर लूँगी अपने फेस से। गीले टिश्यू से, या फिर आप चाहें तो आप फेस को जाके प्लेन वाटर से वॉश भी कर सकते हैं। मेरा ना थोड़ी थोड़ी आंखों में चला गया था, क्योंकि आंख खोल के रखनी पड़ती है अगर आप वीडियो बना रहे हो, तो अगर आप ऐसे करो तो आंख बंद करके आराम से करना। तो फ्रेंड थर्ड स्टेप था जो, वो है हमारा एक टोनर। टोनर ना पर इसमें जेल फॉर्म में दे रखा है, बोल इन्होंने टोनर रखा है, बट मेरे को तो ये जेल लग रहा था बिल्कुल वाइट कलर का, ये देखिए जेल की तरह लग रहा था मुझे तो ये। इसको ना 2-3 मिनट के लिए आप अपने फेस पे मसाज करेंगे, फिर जो भी एक्सेस टोनर होगा ना वो कॉटन की हेल्प से हटा देंगे हम। इसको भी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही मसाज देनी है अपने फेस पर और नेक पर। आप देख रहे हैं फ्रेंड, आपको खुद ही रिजल्ट दिख रहा है ना इस फेशियल का, देखिए कितना मतलब मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है, और सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ कि मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई थी ये फेशियल लेने के बाद में, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन हो गई थी। तो पेड़े मार रही हूँ मैं मुंह पर। अब अपना एक्स्ट्रा जो टोनर है फेस पे वो सारा मिटा देंगे टिश्यू की हेल्प से। अब लेंगे हम अपना फोर्थ स्टेप जो कि है एक मसाज क्रीम। इसको ना अपवर्ड सेक्शन में, आउटवर्ड अपवर्ड सेक्शन में सर्कुलर मोशन में आपको 15 से 20 मिनट अपने फेस को ना मसाज देनी है, काफ़ी अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि ये क्रीम ही है जिससे कि ना मसाज देने पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ना क्रीम जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए ना आपके स्किन में, जब तक आपको मसाज देनी है, मतलब कि जब तक क्रीम एक ऑयल ना रिड्यूस कर दे ना अपना, तो जब तक आपको मसाज देनी ही है अपनी स्किन पर। और काफ़ी थोड़ा सा ना इसको टाइट हाथों में हाथों से कीजिएगा, क्योंकि मसाज ना तभी अच्छी होती है जब टाइट हाथों से की जाए। सिर्फ एक स्क्रब में आप टाइट हाथ नहीं चला सकते अपना, बाकी आप फेशियल के हर किसी स्टेप में अपना थोड़ा सा टाइट हाथ दे सकते हैं, ये देखिए। और इसमें ना आपको स्टेप भी देने हैं, स्टेप तो मैंने आपको बता ही रखे हैं शायद अपने पहले वाली फेशियल में, तो आप जाके ना पहले वाले फेशियल की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से अपने फेस को ना मसाज देनी है, देखिए जैसे जैसे मैं दे रही हूँ ना ऐसे ऐसे आपको मसाज अच्छे से देनी है, ये देखिए। देखिए 20 मिनट करने के बाद ना मेरे फेस पे से ना ऑयल बिल्कुल रिड्यूस कर चुकी थी, फिर भी मैंने ना मसाज किया 2 मिनट के लिए अपनी आईज़ के अराउंड ना, ऐसे फेस को ना आपको लिफ्ट करना है, ये देखिए ऊपर की तरफ आपको सारी मसाज है ना ऊपर की तरफ देनी है। ये वाला स्टेप है ना डबल चिन के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपकी डबल चिन है तो, और वैसे भी आपको फेस स्टेप तो ना डेली रात को ना करने चाहिए, इससे आपकी स्किन ना टाइट बनी रहती है। ये देखिए ग्लो देखिए फ्रेंड आप इसका, फेशियल का एकदम से मेरी स्किन है ना शाइन करने लगी है। अब इसको भी हम रिमूव कर देंगे उससे।
जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना उसको हटा देंगे अपनी स्किन से। अब है हमारा लास्ट स्टेप जो कि है एक फेस पैक। मैं को काफ़ी नींद आ रही थी फ्रेंडों, मैं थक चुकी थी फेशियल करके, एकदम ऐसा मन कर रहा था बस लेटूँ और सो जाऊँ। 15 मिनट के लिए इसको रखना है कि मड मार्क्स है इसको ना, आप इसको डायरेक्ट वॉश भी कर सकते हैं और पैड ड्राई करने के बाद आप इसको अपने स्किन केयर दे सकते हैं फेशियल के बाद में। मतलब जैसे आप ना शाम को फेशियल कर रहे हैं, और रिकमेंड करूँगी कि फेशियल सिर्फ शाम को ही करा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ना हमारे स्किन है ना जो ख़राब होने से बच जाती है, क्योंकि धूप तो होती नहीं है ना कोई पल्यूशन आपके घर में, तो इसीलिए शाम के वक्त ही आपको करना चाहिए। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए फेशियल करने के बाद में। अच्छे से लगाने के बाद में इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मिलते हैं 15 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड ने लाइट बंद कर दी थी, छोटे वाला बल्ब जला लिया था हमने। तो ये देखिए, थोड़ी सी मसाज करने के बाद जस्ट 2 मिनट की यानी 2 सेकंड की, जिससे कि ना मार्क्स आसानी से हट जाए। फेशियल करते करते फ्रेंड मुझे 2:30 बज चुका था रात का, इसीलिए हमारी लाइट बंद हो गई थी। आप इसको ना आसानी से निकाल पाएंगे अगर आप थोड़ी सी मसाज देने के बाद इसको रिमूव करेंगे, तो थोड़ा सा पानी लेके आप इसको ना अच्छे से मसाज कर लेना, काफ़ी प्यार से रिमूव हो जाएगा फिर आपका मार्क्स। देखिए मेरे को तो ना धोने के आगे का आलकस था, इसलिए मैंने कॉटन से इसको रिमूव कर लिया था। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ग्लो मेरी स्किन पे, मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही थी फेशियल को करने के बाद में। उसके बाद मैं 1.5 घंटे के लिए सो गई थी। तो फ्रेंड मैंने पता क्या सोचा कि सो रही तो यार थोड़ी देर तक सोऊंगी, इसलिए मैंने जो पहले वाला जो मैंने फेशियल करा था ना उसकी ना एक सनक्रीम पड़ी हुई थी, लोशन मॉइस्चराइज भी करना था पास में, वही पड़ी थी, इसलिए ना मैंने सिर्फ वही लगा लिया, क्योंकि मुझे मॉइस्चराइज भी चाहिए थी अपनी स्किन, तो इसलिए मैंने ना वो वाला मॉइस्चराइज़र लगा के और अपनी स्किन को वैसे ही छोड़ दिया, बस सो गई फिर मैं। क्योंकि ना फेशियल करने के बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।